इतना अच्छा वेदर हो, मॉर्निंग हो, चाय हो, चाय की चुस्की हो, तो फिर मजा ही आ रहा ना। What's up guys, it's your Varun. Welcome back to the channel everyone. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you're doing absolutely fine. वेदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है, दो दिन से. सो वेदर काफ़ी अमेजिंग हो गया है, कोल्ड है. और सो गाइस, आज है 25 सितंबर, टाइम हुआ है इट्स अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वेदर काफ़ी अमेजिंग है. तो ऐसा वेदर हो, मॉर्निंग हो, चाय हो, तो मज़ा ही आ जाना है. फिर सुबह बन जाती है, बताइए आपको. सो गाइस, आज की बात, आज की जो बात है वो बात है ये जो आपसे करनी है हमें. तो आज की जो बात है ये है कि हम गए थे कल रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन. ठीक है, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या काम था, सब बताता हूँ. एक्चुअली आपकी और हमारी जो ब्लैक ब्यूटी है उसकी थी वहाँ पर सर्विस ड्यू. सो कल हम गए, हमें वहाँ से फ़ोन आया था परसों कि सर आपकी सर्विस ड्यू है, आप कब तक आएंगे. तो हमने कहा मैडम आप बुलाए और हम ना आए, आते हैं हम, क्यों नहीं आएंगे, आप हमारी ब्लैक ब्यूटी की सर्विस ड्यू है. सो हमने अपॉइंटमेंट ले चुके थे कल की सुबह 9 बजे की. तो हम सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे. सो हमने आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ब्लॉग बनाया है. वहाँ पर पूरा एक्सप्लोर किया है सर्विस स्टेशन की, सर्विस स्टेशन में काम कैसे होता है, रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स हैं उस पर जो इंजीनियर हैं कैसे कैसे सर्विस करते हैं, कैसे काम करते हैं. ठीक है, सब आपके लिए मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है. सो देखिए. और एक चीज़ और, वहाँ जो पूरा व्लॉग बनाया है ना उसमें जो है मैंने म्यूज़िक ऐड करा है, बिकॉज गाइस आपको पता ही है, अगर नहीं पता कि जब भी आप कभी जाएंगे रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन पे आपको पता लग जाएगा वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ होती है, कोई मशीन्स चल रही होती हैं, बाइक्स की आवाज़, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है. तो इसीलिए हमने उसमें म्यूज़िक ऐड किया है. सो देख लीजिए, फिर मिलते हैं फिर आपसे आगे देखने के बाद. ठीक है, I'm not afraid to die.
आपने सिर्फ यही देखा है कि सर्विस स्टेशन में जो सर्विस इंजीनियर है वो जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की सर्विस कर रहा है वो कैसे कर रहे हैं, कैसे काम होता है, अभी तक आपने सिर्फ इतना ही देखा है। सो आपके लिए थोड़ा सा और है अभी, तो जाइए देखिए थोड़ी सी और फुटेजेस हैं वहाँ के, जो कस्टमर लॉज है, कैफ़े है, रॉयल एनफील्ड में एक कैफ़े है, तो वहाँ का थोड़ा सा मैंने ब्लॉग शूट किया है, तो थोड़ा देख लीजिए। आपसे डायरेक्टली हम मिलते हैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम आपसे डायरेक्टली मिलते हैं कहाँ पर, का घर पे, तो बाकी बात जो है घर पे करते हैं आपसे, तो आप जब तक देख लीजिए हम आते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए बाय। Oh, 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 oh
चैनल आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो जो मैंने आपके लिए पूरा एक्सप्लोर किया है रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस स्टेशन है. एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर नवीन जी जिन्होंने हमें परमिशन दी है. एंड गाइस नवीन जी जो है कैलाश कॉलोनी जो शोरूम है रॉयल एनफील्ड का एंड ओखला फेस टू में एक और शोरूम है रॉयल एनफील्ड का एंड ओखला फेस वन में सर्विस स्टेशन है जहाँ हम आपने ये ब्लॉग देखा है मेरा. सो वहाँ के वो ऑनर है तो उनसे हमने परमिशन ली थी स्पेशल आपके लिए कि आपके लिए पूरा व्लॉग हमें बनाना है. तो उन्होंने जट से परमिशन दे दी, मना नहीं किया. सो थैंक यू नवीन जी इतना सपोर्ट देने के लिए, इतनी परमिशन देने के लिए हमें. सो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते दीजिएगा और थैंक यू वंस अगेन एंड बिग थम्स अप फॉर रॉयल एनफील्ड. सो गाइस आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड मेन चीज़ डू सब्सक्राइब. खुश रहिए, अपने आस पास के लोग खुश रखिए. बाय बाय.